तो आज हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ले आए हैं जीव विज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सन 2011 में पूछा गया था। मित्रों, हम इसमें आपको दिखाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, चिकन गुनिया विषाणु वाहक है। तो मित्रों, जो चिकन गुनिया विषाणु वाहक होता है एंडीज मच्छर का, राइट। अगर मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है। तो मित्रों, इंटरफेरान। कैसा उत्पन्न करता है? इंटरफेरान, राइट। चलो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर पीत जर का वाहक है। तो मित्रों, जो पीत जर का वाहक होता है एंडीज होता है। क्या होता है मित्रों? एंडीज, राइट। अगला क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है? एच आई वी घटाता है। तो एच आई वी मतलब किस प्रकार के जो होते हैं, एच आई वी घटाते हैं सभी टी कोशिकाओं के लिए, यानी जितने टी कोशिकाएँ होती हैं एच आई वी क्या करते हैं, उन्हें घटा देते हैं। एल्कोहल अधिक मात्रा में किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, यानी जो मित्र कुर्ता होता है ना, एल्कोहल उसे जला देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मित्रों। अफीम से प्राप्त मार्फिन है। तो मित्रों, अफीम से प्राप्त मार्फिन है एल्केलाइड। क्या है मित्रों? एल्केलाइड। अगला मित्रों क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है? तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस मित्रों विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? एडीए का पूरा नाम है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसकी ESCID रोगियों की न्यूनतम, तो यहाँ पर एडिनोसिन डीआइमिनिजो, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीटी यानी बीटी अविष्कवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अविष निष्क्रिय होता है, राइट। अगला मित्रों जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, देखते हैं क्या कह रहा है। अनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों, जो अनुवांशिक रूपांतरण का संबंध है, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें मित्रों आप देख पा रहे हैं कुल चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया। अनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया। सी क्या है? अनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषित स्तर में वृद्धि की। इनमें से सभी, तो मित्रों आप देख पा रहे हैं जो अनुवांशिक रूपांतरण संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से सभी, यानी कि ये ऑप्शन सही है, राइट। क्योंकि मित्रों सभी जो घटक होते हैं जो अनुवांशिक लक्षण पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।